आसंता 28 तारीख रे धौलीपाली बस स्वर्ण जयंती एथिपाई धौली मरामती एवं नवीकरण कार्य करिछंते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक धौली शांति स्तूप सुवर्ण जयंती उत्सव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जोगदेवार कार्यक्रम रही उत्सव में देश विदेश बहु बौद्ध सन्यासी जोगदेवे जापान 39 जन युक्तराष्ट्र आमेरिकार 10 जन समेत अन्यान्य देश बहु सन्यासी जोगदेवे आज प्रथम पर्यायर जापान 7 जन महिला सन्यासी समेत मोट 11 जन बौद्ध सन्यासी भुवनेश्वर विमानबंदर पहुंच विमानबंदर में स्थपति पद्म विभूषण सुदर्शन साहू एवं भुवनेश्वर अतिरिक्त जिलापाल प्रफुल्ल कुमार साई उपस्थित रही स्वागत संवर्धना जनाइथिले परे स्वतंत्र बस जोगे राज्य अतिथि भवन को कड़ा सुरक्षा मध्ये नियाजाइथिला ओडिशार विभिन्न कीर्तिराजर सुरक्षा और सौंदर्यीकरण पर प्रति राज्य सरकार पदक्षेप को भूयसी प्रशंसा करिछंती सुदर्शन साहू धौली शांति स्तूप मरामती क्षेत्र में मंत्री अशोक चंद्र पंडा विधायक प्रणव प्रकाश दास और सर्वोपरि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उद्यम अतुलनीय बोली से कहते सन्यासी सन्यासी धौली बुद्ध मंदिर 50तम उत्सव भांगी रुचि गुड़ा नष्ट जहा ओडिशा सरकार कहापर प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तार पुनरुद्धार कर अशोक चंद्र पंडा बहुत सहयोग अच्छी बबी दास जो अच्छा प्रणव प्रकाश दास भी बहुत बड़ा अवदान ओडिशा सरकार कलेक्टर महोदय समस्त प्रचेषार संपूर्ण नुआ बहुत किसी आग अपेक्षा उन्नत कार्य हो 28 तारीख 10-11 पूजा कम्प्लीट हे मुख्यमंत्री रे उद्घाटन करेंगे आपण मानक निमंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्रिंट मीडिया को आपण मैंने उत्सव को उपभोग करेंगे स्वर्ण जयंती हूँ धौली स्तूप शांति स्तूप से आम जापान रु आज माने टोटल जापान रु 39 जन बुद्धिस्ट मंक सीनियर मंक्स आसपा समस्त व्यवस्था आम कर स्टार्टिंग फ्रॉम एयरपोर्ट नहीं आरंभ कर विभिन्न गेस्ट हाउस हस्तक्रीड हाउस रखा होने 27-28 प्रोग्राम से जॉइन करेंगे।